हम नहीं जानते चोरी करता है, हम नहीं जानते सर, खाली में चोरी करता है। कहाँ है सत्या? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, काफी दिनों से मैकेनिक चेयर में नहीं आया है, भैया जी उसके बीच में कुछ हो गया था। मेहरबानी करके पढ़िए, सारा मामला यहीं से शुरू हुआ था, पढ़िए। इसी सबूत के लिए मैंने आपके भैया को धमकी दी थी, लेकिन उनकी मौत हो जाएगी सोचा भी नहीं था। उनके लक्ष्य को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य बन गया है। मैंने ये सबूत सही आदमी को सौंप दिया है। इसके बाद भी आप मुझे मारना चाहेंगे तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। ये एनकाउंटर विजय मूर्ति अभी तक किसी से माफी नहीं मांगा है। सॉरी सत्या। बोलिए, मैं जज बोल रहा हूँ। सर मैं असिस्टेंट कमिश्नर विजय मूर्ति बोल रहा हूँ। पूर्व मंत्री वीवीआर के ऊपर एक खून का केस है, इमीडिएटली अरेस्ट वारंट लेना। अब आइए, मैं घर पे हूँ। जला दो इसे। मार दो से, सत्या मत छोड़ो उसे, सत्या, सत्या, मार दो से। हे,
क्यों बिना मारे उसको छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? ए सत्या, अरे मैं तुमसे पूछे जा रहा हूँ, क्यों छोड़ा तुमने उसको? सत्या, आपके भैया के कारण है, आपके भैया के कारण है। मरते समय भी आशीर्वाद दे गए, हाँ वो उदय मूर्ति का कारण है। उनके मौत का प्रायश्चित करने के लिए ही सर मैं भाग रहा हूँ। नहीं सर, मैं किसी को जान से नहीं मार सकता। hey, कौन है वो? कलेक्टर लीलावती को जिंदा जलाने वाला हैवान है वो। अरे कानून भी उसको जरूर फांसी की सजा देगा। वो सारे सबूतों को जलाकर राख करके चला गया। अब उसे कोर्ट के कटघरे में क्या, कोर्ट के दरवाजे पर भी खड़ा नहीं कर सकूंगा मैं। छोड़ दिया उसे, छोड़ दिया रे उसे। मारपीट से कभी भी जीत नहीं हो सकती। सच्चाई को जीतने का एक ही रास्ता है, अहिंसा। अहिंसा के रास्ते पर चलने से ही सच्चाई की जीत होती है। पूरी दुनिया के सभी हथियारों में से सर्वश्रेष्ठ हथियार है अहिंसा है। रास्ता है सर, सजा दिलाने का रास्ता है। कैसा? उस कलेक्टर की हत्या हुई है ना सर? हाँ। लीलावती का खून बीबी और भैया जी ने किया था, ये सच है ना सर? हाँ। इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए, सच है ना सर? हाँ भाई। इतने सच हमारे पास रहते हुए भी हम झुक क्यों रहे सर? सच्चाई के रास्ते पे जाकर सच्चाई की जीत करवाएंगे। वो कौन सा रास्ता है मुझे मालूम हो गया है। उसी रास्ते पे जाने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया। क्यों रे, तुम अहिंसा के रास्ते में लड़ाई लड़कर जीतने वाले हो? हाँ जी। तुम पागल हो गए हो क्या? गांधी को मारने वाले गोडसे के लिए भी दुआ मांगने वाले लोग आज भी इस देश में हैं। इस युग में आकर तुम सत्याग्रह करके क्या जीतने वाले हो? मैं युगों में विश्वास नहीं करता सर, सच्चाई में विश्वास करता हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी को जिताने वाली सच्चाई इस युग में भी हमें जीत दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, मैं ये आजमाना चाहता हूँ। ये देख, सच्चाई सच्चाई बोलकर तुम भूखे ही मरने वाले हो। गांधी मार्ग में एक अनाथ की मौत हो गई, ये खबर एक खबर बनकर ही रह जाएगी। तुम भूखे रहकर कुछ साबित नहीं कर सकते। इस महात्मा के भूख के आगे हार के अंग्रेज भी देश छोड़ के भाग गए सर। एक लक्ष्य के लिए दूसरे की जान लेने से बेहतर होगा अपनी ही जान त्यागना, एक सच्ची लड़ाई है। इन्होंने साबित किया है, इनके रास्ते पे ही चलना अभी मुझे सही लगता है। मैं देखता हूँ तुम जान गंवाते हो या साबित करते हो। पागल पागल है। रिपोर्टर जी, अचानक यहाँ कैसे आए? अगला महीना गांधी जी का जन्मदिन है, एडिटर साहब गांधी जी के बारे में लिखने को बोले हैं। गांधी मार्केट के लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते हो ये पूछने के लिए आया हूँ। अच्छा वो कौन है? बदन में पूरा खून और चोट है, क्या है, कोई प्रॉब्लम हुआ था? कौन है हमें नहीं मालूम, सुबह 4 बजे से दुकान खोलते समय से देख रहा हूँ, वो अकेले ही बैठा है। कौन से एरिया का है मालूम नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सर चाय लेंगे सर? क्या यह मारा मारी हुआ था? पुलिस कंप्लेन देना है सर? मैं एक रिपोर्टर हूं, जो भी आप बिना डरे हुए बताइए। एक सच्चाई पर रोशनी डालनी है। कौन सी सच्चाई सर? 6 महीने पहले कलेक्टर लीलावती कार एक्सीडेंट में मरी थी। वो हादसा नहीं था, हत्या हुई थी। खून हुआ था? किसने खून किया सर? पूर्व मंत्री वीबीआर ने। ये देखिए भैया जी, गांधी की मूर्ति के आगे पोज दे रहा है। मुझे अरेस्ट करने तक अनशन में रहेगा। ए, सबूत को जलाने से नहीं चलेगा, उसको भी जलाओ। पेपर तक आ गया है और तुम लोग चुप बैठे हो। अगर अभी आप मंत्री हो तो मुंह बंद कर, नहीं तो फोड़ डालूंगा। शंकर सर, कहाँ है हमारा पुलिस वाला? सुबह से कुछ बिना खाए बैठा हुआ है, कौन है आदमी? चलो यहाँ से,
नहीं सर, सुबह से कुछ खाए पिए बिना अंचन में बैठा है सर। वो सब हम देख लेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से। चलो क्यों रे, अंचन कर रहा है क्या? पुलिस से परमिशन लिया क्या? हाँ, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर बैठना मना है। कॉन्स्टेबल जाके मार के बाहर निकालो इसे। ए, चलो उठो उठो, चलो चलो उठो, चलो चलो, ए चल चल, ए ए समझ नहीं आ रहा, देख चलो चलो चलो। चलो हटो हटो उधर से, चलो चलो इधर से हटो, ए हट, चलो 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 उधर। क्या रे साले, तेरी इतनी हिम्मत? ए इंस्पेक्टर, क्या रे, चुप बैठे हुए आदमी को तुम क्या डरपोक समझते हो? इस लड़के ने क्या किया है? गांधी के मार्ग पर चलेगा ऐसा सोचकर सुबह से अनशन कर रहा है और उसी को तुम मार रहे हो, अपनी वर्दी का रूप जान रहे हैं। उस दिन दो रावड़ी आकर हफ्ता मांग रहे थे, पुलिस को फोन किया तो कोई नहीं आया। तुमको मामा ने बुलाया या भांजे ने बुलाया, किसने बुलाया? तुम उस लड़के को हाथ लगा कर तो देखो, सही सलामत घर नहीं जाओगे। हाँ, वर्दी पहनने से तुम अपने आप को गवर्नमेंट समझने लगे हो क्या? यहाँ पर क्या हो गया कि तुम केस करने को आ गए हो? चलो जाओ यहाँ से। यही कोई राजनीति करने वाला आदमी आता है तो तुम क्या उसे रोकने आते हो? अगर कोई शान से बैठा है तो तुम चले आए, तुम सब कब सुधरोगे? अगर तुम हथियार उठाकर लड़ते हो तो तुमको अकेले ही लड़ना होगा। अगर तुम हथियार लड़ोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ कल लड़ेगी। अगर इसके बाद तुम इस लड़के पर हाथ उठाए तो अनर्थ हो जाएगा। नमस्ते सर, हम ग्लोबस टीवी से आ रहे हैं। शाम के अखबार में हम आपके बारे पढ़े थे, आप एक अलग लक्ष्य के लिए अनशन कर रहे हैं, वही आज हम एक छोटे से एपिसोड में बताने वाले हैं। सर, यहाँ पर पूरी मीडिया है, इस वक्त हम उसे कुछ नहीं कर सकते। नया नया जोश में बैठा है, आप चिंता मत कीजिए, दो दिन में उठकर चला जाएगा। आप बोल रहे हैं लीलावती का खून वीबीआर ने ही किया है, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? सबूत मेरे पास था लेकिन उसे जला दिया गया। बिना सबूत के कैसे सर किसी को गुनहगार ठहरा सकते हैं? सबूत मेरे पास नहीं है, मैंने बोला था, लेकिन सबूत दुनिया में नहीं है ऐसा नहीं बोला था। सच्चाई को हमें ही ढूंढना है, सच्चाई कभी मरती नहीं, वो कहीं पे तो जिंदा होगी ही, उसे सरकार को ढूंढना चाहिए, यही मेरी विनती है। बोलता हूँ गलत मत समझिए सर, आप भी एक गुंडे थे सभी बोलते हैं, बहुत बार जेल जाकर भी लौटे हैं ऐसा बताते हैं। आपकी बातों में सच्चाई है, ये हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं राउडी था, ये सच है सर। इसी गांधी जी के मूर्ति के उद्घाटन के समय काला झंडा दिखाने वालों को मार मार के भगाने वाला, यही सदी सत्य है। एक रेलवे स्टेशन पे मोहनदास लाठी के मार खाने के बाद वो महात्मा गांधी बन गए। जिंदगी के चोट ने ही मेरा रास्ता बदल डाला। ये सत्य के जिंदगी में जो कुछ बीत रहा है वो सत्य की परीक्षा है। वीबीआर एक पूर्व मंत्री थे, राजनीति और सरकार में उनका अंदर से बहुत वट चलता है, एक अकेला आदमी क्या उनके खिलाफ जीत सकता है? वड़ा पलने गांधी मार्केट में मैं अकेले ही अनशन कर रहा हूँ, ये खबर आपके टीवी स्टेशन में पहुँची तो आप यहाँ आए हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है या झूठ है, आप मुझे ढूंढते हुए नहीं आए, ऐसे ही ढूंढने वाले, मेरे बातों की सच्चाई पे विश्वास करने वाले। मेरा साथ देंगे ये विश्वास मुझे है सर। ऐसे कितने दिन अनशन पे बैठने का आपने निश्चय किया है? सत्य की जीत होने तक।